चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग 8 लेक्चर्स कर चुके हैं, ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर खत्म कर चुके हैं। बस एक छोटा सा पार्ट बचा है जो हम लोग आज करने जा रहे हैं, उसमें हम लोग पढ़ेंगे रोम्बस, रेक्टेंगल्स और स्क्वायर्स के बारे में। हालांकि हम लोग एक छोटा सा लुक देख चुके हैं, आउटलुक, कि कैसा रोम्बस होता है, क्या स्क्वायर होता है, क्या रेक्टेंगल, बट थोड़ा सा डिटेल्ड स्टडी करेंगे उसकी इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में उससे एसोसिएटेड एक्सरसाइज करके इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द वाइट स्लेट पढ़ाई। और एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है वाइट स्लेट पढ़ाई, जहाँ पर आप सब कुछ बड़ी आराम से सीख लेते हैं, क्योंकि हम लोग बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को हायर लेवल तक लेके जाते हैं। तो बिना किसी देरी के आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रोम्बस, स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर रोम्बस की बात करें, तो रोम्बस देखने में तो काइट जैसा होता है। अगर आपको याद हो, हमने एक काइट का शेप पढ़ा था और पिछली क्लासेस में रिवाइज भी किया था, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया था। तो काइट में क्या होता है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल होती है और ये वाली साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। रोम्बस में क्या हो जाता है कि रोम्बस में चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, कुछ इस तरह से। रोम्बस में ये सारी साइड्स आपस में इक्वल हैं, चारों साइड्स आपस में इक्वल हैं। तो आपको बस रोम्बस की डेफिनेशन में इतना याद रखना है, रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्यों? क्योंकि ये साइड और ये साइड, ऐसे ही ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल है। तो रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल तो हैं ही, इनफैक्ट सारी साइड्स आपस में इक्वल हैं। सिर्फ ऑपोजिट साइड्स नहीं, सारी साइड्स आपस में इक्वल हैं। तो रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। तो रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम विद ऑल फोर इक्वल साइड्स। तो आपको रोम्बस की डेफिनेशन कैसे याद रखनी है, ये एक पैरेललोग्राम है, मतलब कि इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं एक दूसरे के और चारों साइड्स आपस में इक्वल हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात देखें, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रोम्बस की बात करें, तो जैसे हम लोगों ने पैरेललोग्राम की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ देखी थी, रोम्बस की हमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, और वो क्या है कि इसके ये जो डायगनल होते हैं, एक डायगनल ये और एक डायगनल ये, देखो क्योंकि डेफिनेशन में लिखा है कि रोम्बस इज़ अ पैरेललोग्राम, मतलब ये पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, प्लस एक रोम्बस के लिए अलग से प्रॉपर्टी और क्या होती है। तो अगर आपको रोम्बस पैरेललोग्राम के डायगनल्स की प्रॉपर्टी याद हो, तो वो क्या कहती थी कि ये वाला डायगनल इस डायगनल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ऐसे ही ये वाला डायगनल इस डायगनल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, ये और ये इक्वल है। तो सबसे पहली बात, इतना तो इसमें भी ट्रू रहेगा रोम्बस के केस में, क्योंकि रोम्बस भी और कुछ नहीं, एक पैरेललोग्राम है स्पेशल टाइप का। एक नई चीज़ इसमें क्या जुड़ जाती है कि ये जो एंगल बनता है इनके बीच में, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो पैरेललोग्राम के लिए हमने क्या पढ़ा था कि डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस के केस में क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट वर्ड तो रहेगा ही रहेगा, साथ में ये परपेंडिकुलर भी हैं एक दूसरे के, तो हम कहेंगे कि डायगनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं। मतलब ये और ये परपेंडिकुलर भी हैं, मतलब आपस में 90 डिग्री भी बनाते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को, मतलब इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में हम लोग को बस एक प्रॉपर्टी पढ़नी है, वो है कि डायगनल्स जो हैं रोम्बस के, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं। ठीक है, मतलब एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हैं। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपकी बुक में गिवन है, वो क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं। आपको दो चीजें याद रखनी है, एक रोम्बस की डेफिनेशन, वो कहती है कि रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, और एक रोम्बस की प्रॉपर्टी जो कि कहती है कि उसके जो डायगनल्स हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे सामने, आर आई सी इज अ रोम्बस, ये आर आई सी ई जो है वो एक रोम्बस है,
और हमें x, y और z ये तीनों चीज़ें फाइंड करनी है। तो देखो हमें क्या पता है, हमें सिर्फ दो चीज़ें पता हैं कि रोम्बस जो है वो एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी सारे साइड्स इक्वल हैं और उसके डायगनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, इन दो चीज़ों से मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा। तो देखो सबसे पहले अगर x की बात करें तो हमने क्या कहा कि डायगनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, मतलब ये वाला डायगनल इस वाले डायगनल को, डायगनल ई आई जो है इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, एक ये इतना पार्ट और एक ये इतना पार्ट। तो अगर ये सेंटर ओ है तो देखो मुझे मिला ई ओ, मतलब ये वाला एक्स वाला हिस्सा किसके बराबर है, ओ आई के, ओ आई के। क्यों? क्योंकि डायगनल्स जो हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं एक दूसरे के। तो ई ओ क्या है, ई ओ और कुछ नहीं बल्कि एक्स है, और ओ आई कितना है, ओ आई है 5। तो x की वैल्यू मुझे मिल गई 5, और वैसे भी पता चल रहा था कि ये 5 है तो ये भी 5 है। ऐसे ही ये वाला डायगनल भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो ये 12 है तो y भी कितना हो जाएगा, y हो जाएगा इस 12 के बराबर, मतलब OC के बराबर। तो y इज इक्वल टू OC, मतलब कि y इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये स्टेप आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे कि y 12 कहाँ से आया। या फिर इसकी जगह आप पूरी डेफिनेशन लिख सकते हो कि जो ये इतना पार्ट है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है ई आई डायगनल इसको, इसलिए वाई ओ सी के बराबर है, और ओ सी 12 है तो वाई भी 12 हो गया। ऐसे ही अगर जेड की बात करें तो अब जेड तो इस प्रॉपर्टी से निकल नहीं रहा है। अब जेड हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, दो तरीके हैं, एक मुश्किल तरीका और एक आसान तरीका। आसान तरीका क्या है, हमें पता है रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और ये साइड 13 दे रखी है, तो बाकी सारी साइड्स भी 13 हो जाएंगी, जेड भी हमारा 13 आ जाएगा। तो जेड हमारा 13 आ गया, सबसे आसान तरीका। और मुश्किल तरीका क्या है कि मैं इस प्रॉपर्टी को याद करूं कि इसके बीच में 90 डिग्री एंगल बनता है। अब इस ट्रायंगल को अगर आप देखोगे, ये वाला ट्रायंगल जो यहाँ पर बन रहा है, तो इसमें आर ओ आई ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें ये साइड मुझे दे रखी है 5 और ये साइड मुझे दे रखी है 12। ठीक है, और ये एंगल दे रखा है 90 डिग्री। ठीक है, और कुछ नहीं किया, इसको उठा के यहाँ पर रख दिया। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, शायद से पाइथागोरस थ्योरम अभी आपने नहीं पढ़ा होगा, एनी हाउ नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, और पढ़ा है तो पाइथागोरस थ्योरम से भी उसको निकाल सकते हैं, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम लोग z इज इक्वल टू 13 सीधा इस प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं कि रोम्बस की सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और वो है रेक्टेंगल। ठीक है, फर्स्ट क्लास से ही शायद आपने रेक्टेंगल पढ़ना शुरू कर दिया होगा, फर्स्ट से नहीं तो सिक्स से तो कर ही दिया होगा। तो रेक्टेंगल क्या है, अगर रेक्टेंगल को बना के देखें तो रेक्टेंगल देखने में कुछ ऐसा दिखता है, और हमें पता है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती है, और ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती है। इसके अलावा हमें एक चीज़ और पता है कि ये वाले जो एंगल्स होते हैं कोने पे बनने वाले एंगल, ये 90 डिग्री होते हैं। तो रेक्टेंगल की अगर डेफिनेशन की बात करें तो रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके सारे एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं। तो रेक्टेंगल को कैसे डिफाइन करोगे आप, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा, आप पैरेललोग्राम क्या है, क्यों है, सबसे पहली बात पैरेललोग्राम इसलिए है क्योंकि इसकी ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल है। पैरेललोग्राम की क्या डेफिनेशन होती है कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए। तो रेक्टेंगल की ये साइड पैरेलल होती है, ऐसे ही ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल होती है। तो रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विद ऑल इंटीरियर एंगल्स बीइंग इक्वल, सारे इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो आपस में इक्वल हैं। अब इनकी वैल्यू अगर आपको नहीं दे रखी होती, जैसे अभी तो आपको याद है क्योंकि आप पढ़ चुके हो कि 90 है, तो आप कैसे निकालते, आप कहते हैं कि सारे इंटीरियर एंगल्स इक्वल है ना, तो चलो सबको एक्स मान लेते हैं, सब इक्वल हैं तो सबको एक्स मान लिया। और मुझे पता है कि एक क्वाड्रिलेटरल, मतलब एक चार साइड की फिगर के इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 360 डिग्री। तो इससे मुझे मिल जाता x प्लस x प्लस x प्लस x, ये आता 360 के बराबर। ये कितने x हैं, 4x हैं, तो 4x आ गए 360 के बराबर। दोनों साइड्स को 4 से डिवाइड किया तो x आया 360 अपॉन 4, मतलब कि 90 डिग्री। तो मुझे यहाँ से मिलता है कि एक रेक्टेंगल के चारों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। इसके अलावा आपको याद रखनी है एक प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी मैं आपको डिराइव करके भी दिखाऊंगा। प्रॉपर्टी क्या है कि ये एक ऐसा केस है, अगर आप पैरेललोग्राम देखोगे ना कोई सा, जैसे ये पैरेललोग्राम है, तो इसके डायगनल्स की हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है। क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है, कि ये वाला डायगनल इस डायगनल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ऐसे ही ये वाला डायगनल
इस डायगनल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। लेकिन कभी भी हमने ये नहीं पढ़ा कि इस डायगनल का, इस पूरे डायगनल का इस पूरे डायगनल के साथ कोई रिलेशन हो, ठीक है। लेकिन रेक्टेंगल के केस में क्या होता है कि रेक्टेंगल के जो दोनों डायगनल बनते हैं, ये डायगनल और ये डायगनल, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं चलिए देखते हैं। देखो मान लो कि ये एक रेक्टेंगल है ए बी सी और डी। अब मुझे क्या प्रूफ करना है कि ये डायगनल बी डी और ये डायगनल ए सी आपस में इक्वल है। और मुझे पता क्या है, मुझे पता है कि ये साइड मतलब कि ए डी इस साइड के इक्वल है बी सी के। ऐसे ही मुझे ये भी पता है कि ये साइड जो है ए बी ये किसके इक्वल है सी डी के। तो आपने जो ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है पिछले क्लास में, उससे क्या करूँगा मैं कहूँगा कि कंसीडर करो ट्रायंगल ए बी और डी को। ए बी और डी ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसको दिमाग में सोचो, और कौन सा ट्रायंगल सोचो एंड ट्रायंगल बी ए सी। ये जो ट्रायंगल बन रहा है बी ए सी, पहले मैंने देखा ए बी डी और अब मैं बात कर रहा हूँ बी ए सी की, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स में एक साइड जो है वो है ए बी, ये तो कॉमन है। तो ए बी इससे लिया इज इक्वल टू यहाँ से क्या लिया बी ए, ये तो मुझे पता है। क्यों? क्योंकि ये कॉमन साइड है, ठीक है। पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कॉन्ग्रुएंसी कैसे निकालते हैं। ऐसे ही मुझे पता है कि ए डी जो है वो इस बी सी के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है ऑपोजिट साइड। तो मुझे मिला ए डी इज इक्वल टू बी सी। क्यों? क्योंकि ये ऑपोजिट साइड्स हैं किसकी, रेक्टेंगल की, ठीक है, इसलिए ये इक्वल है। इन दोनों के अलावा अगर मैं इस ट्राइंगल ए बी डी में देखूँ तो ये एंगल जो बन रहा है ए बी डी में, एंगल ए जो बन रहा है ये 90 डिग्री है। ऐसे ही अगर बी ए सी में देखूँ तो एंगल बी जो बन रहा है वो 90 डिग्री है। मतलब ए और बी जो फर्स्ट लेटर्स हैं उन दोनों का एंगल 90 डिग्री बन रहा है। मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी दोनों बराबर हैं कितने 90 डिग्री। तो यहाँ से मुझे मिला एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। दो साइड्स और एक एंगल कॉन्ग्रुएंसी अगर आपको याद हो तो दो साइड्स और एक एंगल की कॉन्ग्रुएंसी से मैं ये बात कह सकता हूँ कि ट्राइंगल ए बी डी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल बी ए सी के। और अगर ये सिमिलर है तो ये बी डी इस ए सी के इक्वल हो जाएगा। बी डी क्या है, ये वाला डायगनल है, और ए सी क्या है, ये वाला डायगनल है। हालांकि ये प्रूफ आपसे शायद नहीं पूछेंगे, बट आपकी बुक में गिवन था तो मैंने आपको समझा दिया कि कैसे जो है रेक्टेंगल के डायगनल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो हमने रोम्बस पढ़ा, रोम्बस की हमने दो चीज़ें पढ़ी, दोबारा बताता हूँ, ठीक है। पहली चीज़ क्या पढ़ी, उसकी डेफिनेशन। रोम्बस की डेफिनेशन है कि रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल हैं। और एक प्रॉपर्टी की बात करें तो रोम्बस की एक प्रॉपर्टी ये है कि उसके डायगनल्स जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं। फिर हमने देखा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की हमने क्या डेफिनेशन देखी कि रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके सारे इंटीरियर एंगल्स, अंदर के चारों एंगल्स जो हैं वो आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो सारे इंटीरियर एंगल्स एक रेक्टेंगल के इक्वल हैं। और रेक्टेंगल की हमने प्रॉपर्टी क्या देखी कि इसके डायगनल्स आपस में इक्वल हैं। इसके बाद एक लास्ट चीज़ की बात करेंगे हम लोग, जो है एक सिंपल सा स्क्वायर। अब स्क्वायर तो आप सबको पता है क्या होता है, एक ऐसी फिगर जिसकी चारों साइड्स इक्वल हों और चारों एंगल भी 90 डिग्री हों। तो आप कह सकते हो कि स्क्वायर एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल हों। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या होती है, एक पैरेललोग्राम, मतलब कि चारों साइड्स, ये दोनों साइड्स और ये दोनों साइड्स पैरेलल हों आपस में, यहाँ पर हैं बिल्कुल हैं। तो रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या है, एक पैरेललोग्राम मतलब जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हों, जिसके सारे इंटीरियर एंगल्स बराबर हों। तो ये रेक्टेंगल की डेफिनेशन में फिट बैठ रहा है स्क्वायर। सिर्फ एक नई चीज़ क्या जुड़ गई है इसमें कि इसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होनी चाहिए। रेक्टेंगल में सिर्फ ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हैं, इसमें सारी साइड्स इक्वल हैं। तो आप ऐसा कह सकते हो कि स्क्वायर जो है इज अ पैरेललोग्राम, या तो पैरेललोग्राम बोल लो या रेक्टेंगल भी बोल सकते हो। तो रेक्टेंगल बोल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप ऐसा बोल सकते हो स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल विथ ऑल इक्वल साइड्स। मैंने पैरेललोग्राम क्यों नहीं बोला, क्योंकि अगर मैं कहता स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम विद ऑल इक्वल साइड्स तो अभी आपको याद आता कि एक पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं वो तो एक रोम्बस होता है, स्क्वायर थोड़ी होता है। तो आप अगर यहाँ पैरेललोग्राम लिखते ना कि स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम विद ऑल फोर साइड्स, तो आपको एक चीज़ और लिखनी पड़ती कि उसके सारे एंगल्स आपस में
इक्वल हैं और 90 डिग्री के बराबर हैं, ठीक है। इसलिए स्क्वायर को मैंने लिख दिया इज अ रेक्टेंगल विद ऑल फोर इक्वल साइड्स, या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती थी, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है। कैसा पैरेललोग्राम है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, और इसके अलावा उसके चारों इंटीरियर एंगल्स राइट एंगल हैं, मतलब कि 90 डिग्री हैं, एंड ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर आप लिख सकते हो ऑल इंटीरियर एंगल्स बीइंग राइट एंगल, ठीक है। तो ये तो हो गया स्क्वायर। अब स्क्वायर की एक डेफिनेशन प्रॉपर्टी की बात करें, एक खास चीज़ की बात करें स्क्वायर के लिए, तो देखो ये हो गया हमारा स्क्वायर। अब सब चीज़ों में डायगनल की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी डायगनल की प्रॉपर्टी ही पढ़ेंगे। अब स्क्वायर की डायगनल की प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहले तो स्क्वायर की डेफिनेशन में हमने देखा स्क्वायर इज़ अ रेक्टेंगल, मतलब कि रेक्टेंगल की डायगनल जो भी प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं वो तो ये करेगा ही, मतलब कि ये वाला डायगनल और ये वाला डायगनल दोनों आपस में इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल में इक्वल होते हैं, और एक स्क्वायर जो है वो स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल ही है, ठीक है, ऐसा हमने देखा अभी। तो पहली चीज़ तो ये कि स्क्वायर के डायगनल्स जो हैं वो आपस में इक्वल हो गए। अब स्क्वायर एक पैरेललोग्राम भी है, तो स्क्वायर एक पैरेललोग्राम से है, इससे हमें क्या पता चला कि इसकी ये साइड आपस में पैरेलल है, ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल है। लेकिन ये तो डेफिनेशन हो गई, तो इसको प्रॉपर्टी में नहीं पढ़ना है। प्रॉपर्टी में आपको बस इतना याद रखना है कि इसके ये दोनों डायगनल्स आपस में इक्वल हैं, प्लस क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये डायगनल एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और स्क्वायर की खास बात पता है क्या है, कि ये सारे इक्वल पार्ट्स आपस में भी इक्वल हैं, मतलब कि ये इसके इक्वल तो है ही है, साथ में इसके और इसके भी इक्वल है, मतलब जो पार्ट्स कट रहे हैं ये ऐसे चार, ये सब आपस में इक्वल हैं, साइड्स भी इक्वल और ये डायगनल कटे हुए भी इक्वल, और ओवरऑल पूरा डायगनल भी इक्वल, और साथ में ये 90 डिग्री भी, सब कुछ मिल गया। अभी तक जितनी प्रॉपर्टीज पड़ी थी सब कुछ स्क्वायर में फिट बैठ गए, सारी साइड्स इक्वल, सारे डायगनल्स इक्वल, सारे डायगनल्स का हाफ इक्वल, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हैं, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा स्क्वायर। स्क्वायर में हमने क्या देखा, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, या फिर दूसरी डेफिनेशन क्या बोल सकते हो कि स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं और सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं। प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी हमने क्या देखी कि एक तो इसके डायगनल्स आपस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, प्लस इसके डायगनल्स इक्वल भी हैं एक दूसरे के, ठीक है। अब स्क्वायर और रेक्टेंगल के ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है और इसकी फिगर हमें खुद से बनानी है, ठीक है। तो हमें दे रखा है आर ई एन टी इज अ रेक्टेंगल, तो सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल बना लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको क्या नाम दे दो, आर ई एन टी। तो आर ई एन टी इज अ रेक्टेंगल जिसके डायगनल्स कहाँ पर मीट कर रहे हैं, ओ पे, मतलब सेंटर पॉइंट जो डायगनल का बनेगा वो क्या हो जाएगा, ओ। तो इसके डायगनल्स यहाँ ओ पर मीट कर रहे हैं। अब उसने हमसे कहा है x फाइंड करो, अगर OR की वैल्यू, OR क्या है, ये वाले डायगनल का इतना हिस्सा, ये OR कितना है 2x plus 4, और OT कितना है, OT क्या है, सबसे पहले तो OT ये है, OT की लेंथ है 3x plus 1, ठीक है। अब हमें पता है कि डायगनल्स की बात हो रही है, तो हमने जो रेक्टेंगल के डायगनल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी उससे रिलेटेड कुछ होगा। रेक्टेंगल के डायगनल के लिए हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दो चीज़ें पढ़ी थी, पहली ये कि ये और ये डायगनल जो है आपस में इक्वल होगा, मतलब कि मैंने पढ़ा था कि एन आर, ये वाला डायगनल इक्वल होगा टी ई के। इसके बाद क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो हमें ये भी पता है साथ ही साथ कि ये हिस्सा और ये हिस्सा आपस में इक्वल होगा, ऐसे ही ये हिस्सा और ये हिस्सा आपस में इक्वल होगा। लेकिन इससे आपको एक चीज़ और पता चलती है कि ये ओवरऑल का ये आधा हिस्सा होगा, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पैरेललोग्राम बाइसेक्ट करता है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो अगर ये पूरा और ये पूरा आपस में इक्वल हैं तो इसका आधा और इसका आधा भी आपस में इक्वल होंगे, मतलब कि मुझे मिला एन आर अपॉन टू इसका आधा और इसका आधा टी ई अपॉन टू, ये भी आपस में इक्वल होंगे, और एन आर मतलब इसका आधा क्या है, ये ओ आर, तो यहाँ से मुझे मिला ओ आर इज इक्वल टू ओ टी, ठीक है। अब ओ आर कितना है, 2x plus 4 है,
और ओ टी कितना है 3x+1 है, लीनियर इक्वेशन बन गई। 2x को उधर ले जाओ तो ये आया 3x-2x, ऐसे ही इस 1 को इस तरफ लाओ तो क्या बचा 4-1, तो यहाँ पर बचा मेरे पास x और यहाँ पे बचा 4-1 3, तो x की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। और क्वेश्चन में हमसे x निकालने को ही कहा था तो x की वैल्यू 3 आ गई। ओके तो यही एक एग्जांपल था, स्क्वायर का कोई एग्जांपल आपके बुक में नहीं गिवन है। और इसी के साथ हम लोगों ने इस चैप्टर का सारा थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर लिया है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आया है तो आप कमेंट्स में बता दीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिए, ताकि उसके ऊपर एक नई वीडियो बनाई जा सके अलग से, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.4 करेंगे और उसके साथ ही इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। ये चैप्टर, पहले दो चैप्टर्स हमने जितने आराम से सीख लिए उसके कंपैरिजन में शायद आपको थोड़ा हार्ड लगा हो, क्योंकि ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट से ज़्यादा ज्योमेट्रिकल पार्ट है इसमें, और चैप्टर का नाम भी ज्योमेट्री है वैसे ही। लेकिन अगला चैप्टर जो कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होने वाला है वो बहुत ज़्यादा आसान होगा। अगर अभी तक आप कंस्ट्रक्शन से डरते थे तो आपका सारा डर दूर हो जाएगा, अगला चैप्टर बहुत आसान होने वाला है। लेकिन अगला चैप्टर तो बाद की बात है, अभी इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो में ख़त्म करेंगे, यहीं पे नहीं, इसकी एक्सरसाइज ख़त्म करके। कुछ भी नहीं समझ आया हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना डाउट बता सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहना, ताकि वो लोग भी यहाँ से पढ़ पाएँ। थैंक यू।